कि जिस तरह से पूरा माहौल है आज, आप पूरे दौरे पर हैं सौराष्ट्र के, किस तरह से लड़े, क्या माहौल बन रहा है पूरा बीजेपी के अगेंस्ट में? माहौल तो है, सिर्फ मुझे हवा देनी है। सौराष्ट्र के अंदर 5 दिनों का कार्यक्रम है, जामनगर डिस्ट्रिक्ट, भावनगर में, बोटाद में और अमरेली में, और 31 को बड़ी रैली है मोरबी के अंदर। हम यही कहते हैं कि हमें अधिकार चाहिए, अधिकार के खिलाफ ये मुद्दों पर लड़ाई है। भाजपा अधिकार नहीं दे रही, अत्याचार कर रही है। मैं जब गांव-गांव घूमता हूँ, लोग खूब नाराज़ है, परेशान है। किसान के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा सौराष्ट्र के अंदर परेशानी है। प्रीमियम की जो बात है, किसानों को प्रीमियम नहीं मिला, उसके पास से प्रीमियम के पैसे वसूल लिए जाते हैं। लेकिन एक अच्छा माहौल बना हुआ है, गुजरात की जनता मजबूत है, गुजरात की जनता परिवर्तन लाने को तैयार है। मुझे ये नहीं मालूम कि अभी तक मैंने सपोर्ट नहीं किया, फिर भी कांग्रेस का सिंबल लगा, अगर सपोर्ट करूंगा उस दिन कितना बड़ा सिंबल लगेगा। अच्छा है किसको लगाना नहीं लगाना, मेरा काम यही कि भाजपा के खिलाफ अगर कोई ऐसी पार्टी है जो भाजपा को हरा सके तो उसको सपोर्ट करना। जिस तरह से बीजेपी 150 की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस पहली बार कुछ दम दिखा रही है, ऐसा मानता है? मैं वही तो बोल रहा हूँ, 150 के बाद 150 कह रही है कि 150 150, तो फिर कहीं ना कहीं चुनाव का ऐलान क्यों नहीं हो रहा? देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव के परिणामों की घोषणा हो गई है, लेकिन चुनाव का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। कि चुनाव की डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन के बजाय मोदी डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं? मैं तो बार बार कहता हूँ कि चुनाव कमीशन ने बोल दिया है कि हम भाजपा में जुड़ेंगे नहीं, लेकिन हम भाजपा को बाहर से समर्थन करेंगे। जिस तरह से आपकी बात हुई है राहुल गांधी से या तो अशोक गहलोत के साथ, किस तरह से लड़े, क्या कुछ बातचीत हुई? उन्होंने कहा है कि हम संवैधानिक तौर पर आरक्षण देंगे और इस मुद्दे पर 2-4 दिनों में क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। बहुत बड़ी रैली के अंदर वीडियोग्राफी से ये मामला होगा, तो मैं मानता हूँ कि कुछ अच्छा करेंगे। उम्मीद कितनी है कि आरक्षण की बात जो कांग्रेस ने रखी वो पूरी करेंगे? उन्होंने 25 साल से सत्ता नहीं देखी, अगर उनको सही करना है लोगों के हितों की बात तो देना पड़ेगा।